चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं एक बार फिर वामन माता के लिए नमन करता हुआ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मंच पर हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव जी, पिपराइश के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद जी, कैंपियरगंज की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी, राजमाता निषादपुर विधायक बेसम्मान निषाद जी, हमारे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद महासचिव हमारे नामाराशी अखिलेश बाबूराम यादव जी, संजय जितेंद्र सिंह, रामशी निषाद, राजेश निषाद, जयकरण यादव, संजय पहलवान, रामजीत यादव, डॉक्टर मोहसिन खान साहब, पूर्व अध्यक्ष चंद्रबद्री यादव जी और मैं बहुत सारे हमारे नेता अवधेश से लेकर के अवधेश हमारे पार्टी के बड़ी संख्या में सभी हमारे नेता जो मंच पर उपस्थित है, वही चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूँ जहाँ मैदान हमें चारों तरफ से भरा दिखाई दे रहा है। जितने लोग हमें सामने दिखाई दे रहे हैं उतने ही हमें बाईं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं और मैं पीछे बंदे में भी देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग हैं। सड़क पूरी भरी दिखाई दे रही है दोनों तरफ। मैं देख रहा हूँ नदी के उस पार भी लोग खड़े हैं। यहाँ ये मंच में नेता है, दाई तरफ एक और बड़ी सभा चल रही है, दाएं हाथ पर हमारे मंच पर और उस तरफ बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। ये एहसास दिला रहा है, ये जोश बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। न केवल केवल ये विधानसभा है जहाँ के दो प्रत्याशी हमारे साथ हैं, बल्कि मैं कह सकता हूँ इस बार गोरखपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी ने गोरख धंधा चला रखा था, इस बार गोरखपुर के लोग ही उस गोरख धंधे को बंद करने का काम करेंगे। मैं देख सकता हूं इतना समर्थन, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आए हैं ये बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैं तो गोरखपुर कई बार आया हूं आपके बीच में, कई बार गोरखपुर आने का मौका मिला,
मैं जब पिछली बार अपना समय समाजवादी विजय रथ लेकर के आया था, तभी मैंने स्वीकार कर लिया था कि इस बार गोरखपुर की जनता कुछ नया इतिहास बनाने जा रही है। और आपको छठे चरण में वोट डालने का मौका मिल रहा है। छठे चरण में मुझे लगता है कि इस बार छठे चरण में ही इनको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। वैसे तो गोरखपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। इतना सम्मान और इतना प्रेम कहीं नहीं मिलता जितना गोरखपुर की जनता देती है। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? बाबा मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो लगता है इस बार यहाँ का नौजवान, गोरखपुर का किसान मजदूर इनकी भाप निकाल देगा, भाप निकाल देगा। और भाप क्यों ना निकाले बताओ? 3 साल से भर्ती बंद है कि नहीं बंद है? हमारे नौजवान जो भर्ती में जाकर के वर्दी पहन करके देश की रक्षा करना चाहते थे, उन्हें भी भर्ती में जाने का मौका नहीं दिया। मैं गर्मी निकालने वालों कह के जा रहा हूं, इस समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वैसे बाबा लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर बाबा योगी है तो उन्हें और झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, शायद दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता इतना झूठ नहीं बोलते होंगे जितना बाबा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके अगर छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो इनके बड़े नेता वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ सबसे बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? न किसानों की आय दोगुनी हुई, और जब खाद लेने गए होंगे तो खाद नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, खाद की बोरी मिल भी गई होगी तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो 10 किलो की और चोरी कर लेंगे। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, याद है कि नहीं? याद है। और जब से इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, इन्होंने सब हवाई जहाज भेज दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा भेज दिया, पानी के जहाज भेज दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह भेज दिए, रेलगाड़ी भेज दी, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन की जमीनें भेज दी। बताओ भेज दी कि नहीं भेज दी? और इसलिए भेज दी क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी, न रहेगा बांस तो जब सब बिक जाएगा तो नौकरी कहां से मिलेगी? जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी कहां से मिलेगी? इसीलिए सब बेच रहे हैं। ये 5 साल मलाई खाते रहे,
5 साल खजाना लूटते रहे और 11 लाख पद खाली है सरकारी, अभी तक नहीं भरे गए। और बताओ गोरखपुर के लोगों, यहां से तो मुख्यमंत्री हैं, 3 साल में बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं बर्बाद हो गई? शिक्षा चौपट हो गई और स्कूल भी बर्बाद हो गए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चाहे हमें हमारे बीएफ टेट के लोगों को समायोजित करना पड़े, हम समायोजित करेंगे, वही शिक्षा मित्र की भी मदद करेंगे। ये जो 69,000 का घोटाला हुआ है इसको भी ठीक करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों को हक और सम्मान मिल जाए। ये इंस्पेक्टर भर्ती 2016 की है, दरोगा भर्ती, इसको भी ठीक कर करके इनको दरोगा बनाने का काम करेंगे। ये हमारे अनुदेशक हैं, अनुदेशकों को नियमितीकरण करने का काम समाजवादी सरकार में हो। मैं जान रहा हूं हमारे और आपके बाबा मुख्यमंत्री, अरे मतलब की बात सुनो, हमारे और आपके बाबा मुख्यमंत्री हमें कहते हैं कि हम कोई बात नहीं, मुझे पता है आप चिताने जा रहे हो या सरकार बनाने जा रहे हो, इसलिए जो जाए वही खड़ा रहे, आगे पीछे न जाए। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने 12 बजे सो के उठने की बात कही है, हम भी उनके घर की तरफ नजर रखते हैं आजकल। और आजकल शाम को कभी कभी धुआं उठता नजर आता है, और अभी कुछ पुताई वाले हमें मिल गए, तो पुताई वालों से मैंने पूछा कि कहां जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको पोतने जा रहे हैं। इसका मतलब गोरखपुर का एक एक वोट जो साइकिल पे पड़ेगा वो बाबा जी को गोरखपुर बुलाने का काम करेगा। और आप सब परिवार वाले हैं, हम और आप सब परिवार वाले हैं, तो जो परिवार वाले हैं जब कभी अपने घर लौटते हैं तो कुछ ना कुछ सामान लेकर के आते हैं। इसलिए मैं सलाह दे रहा हूं, जो गोरखपुर आ रहे हैं वापस, हम परिवार वाले उन्हें सलाह दे रहे हैं कि जब परिवार वाले अपने घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, घर वालों के लिए लेकर के आते हैं। इसलिए हम अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, जब आप गोरखपुर आओ तो गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना, गुल्लू के लिए बिस्कुट। अरे हमने तो नहीं देखा गुल्लू, आपने देखा गुल्लू? और हमारे मुख्यमंत्री जी का केवल गुल्लू नहीं है प्रिय जानवर, एक और है प्रिय जानवर, बताओ सांड है कि नहीं है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जोश बता रहा है
इस बार साइकिल को कोई नहीं रोक सकता। लगता है गोरखपुर के लोगों ने पहले ही राय बना ली अपनी। आपने राय बना ली, राय बना के हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। जो जो समाजवादियों ने कहा है अपने घोषणा पत्र में, बिजली को लेकर के 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, फ्री, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, और हमारे किसानों की भी सिंचाई फ्री, उसके लिए भी बिल नहीं देना पड़ेगा। पुराने हमारे सरकारी कर्मचारी ये मांग करते रहे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन भी बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव जहां सरकार बनाने का है वहीं उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। और अपने हम पिछड़े और दलित भाइयों को कहना चाहते हैं, ये पिछड़े और दलित भाई जानते होंगे ये आपकी हमारी सरकार नहीं है, ये आपको और हमको धोखा दे करके वोट दे रहे थे। ये वो लोग हैं जो हमें और आपको भी नहीं गिनना चाहते, इसलिए हम अपने भरोसा दिला रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर सभी जातियों को गिनने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इसलिए गिनना चाहते हैं क्योंकि गिन करके उन्हें आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए और रोजगार और अवसर मिल जाए, इसलिए हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। मैं अपने सभी लोगों को बधाई देता हूं। वहीं मैं आपसे और आपको देख रहा हूं, मैं ये बड़े हाथों में इस बार बाबा जी ने लैपटॉप बांटे कि नहीं बांटे, ये स्मार्टफोन उन्हीं के तो नहीं है। इसका मतलब बाबा जी चलाना ही नहीं जानते। मैं इस मौके पर आरटीओ के लोगों को बधाई देता हूं कि समर्थन दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, ये हमारे ट्रक व्यापारी संघ, हम ट्रक व्यापारी संघ को धन्यवाद देते हैं। समय आने पर हम व्यवस्था करेंगे जिससे आपको ऑनलाइन में परेशानी न उठानी पड़े। अगर ऑनलाइन खत्म करनी होगी तो ऑनलाइन भी खत्म कर देंगे। वहीं फैलाए घाट पर पक्का पुल बनेगा, खुटन की जमीन पर 1,000 का कारखाना लगा करके क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने तो बहुत रोजगार नौकरी की बात की, नहीं कर पाए, हम संभावनाएं तलाशेंगे जिससे यहाँ के खुटन की जमीन पर अगर कोई उद्योग लगाना चाहेगा तो उद्योग लगाने के लिए हम सहयोग करेंगे। पेपराइज रेलवे क्रॉसिंग पर बनने के बाद ओवर ब्रिज बनाने का ही सहयोग और मदद करने काम करेंगे। ये हमारे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और अगर गरीबों की मदद के लिए हमें 2 गुनी एम्बुलेंस भी चलानी पड़ी तो चलाएंगे जिससे गरीबों की मदद हो सके और गरीबों का इलाज, हर बीमारी में उनकी जांच और दवाई, एक भी गरीब को पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरा फ्री इलाज होगा। इसलिए एक बार फिर मैं आप सबसे अपील करता हुआ और आपसे सहयोग और समर्थन मांगता हुआ
कि समाजवादी पार्टी के अमरिंदर निषाद जी को ऐतिहासिक वोट दे करके जिता देना। वही हमारी दूसरी प्रत्याशी है, हमारी समाजवादी पार्टी की दूसरी प्रत्याशी है, इनका भी एक एक वोट साइकिल के चुनाव पे दे करके मदद करने का काम करना। जिताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? सब लोग जिताओगे साइकिल को? और अपने नेताओं को भरोसा दिलाते हैं कि आप लोगों को भी सरकार बनने पर सम्मान देने का काम समाजवाद देते हैं। इसलिए नौजवानों, नौकरी और रोजगार के लिए 5 साल तो इंतजार नहीं करोगे? 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? तो इसलिए एक एक वोट साइकिल पे डालना। मैं अपने जनवादी समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी का संजय चौहान का भी धन्यवाद देता हूँ, उनके बाद समर्थन मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी का भी धन्यवाद, जो वो भी हमारी पार्टी की मदद कर रहे हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि हर जाति बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं। इसलिए गोरखपुर वालों मदद करना, साइकिल चुनाव चिन्ह से दोनों प्रत्याशियों की मदद कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।